फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं D++SV की ऑफिशियल वेबसाइट को, इसमें पर हम विजिट कर रहे हैं और आज डेट है 24 मई 2022। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये लिंक जनरेट किया गया फ्रेंड्स, जो कि पोस्ट कोड 18/19 के रिगार्डिंग है। तो आप लोग अपने जो एडमिट कार्ड है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले नोटिफिकेशन को एक बार हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि एडमिट कार्ड को किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। तो आइए पहले नोटिफिकेशन को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये नोटिस जारी किया गया था 12 मई 2022 को, नोटिस फॉर कंडक्टिंग ड्राइविंग स्किल टेस्ट ऑफ पोस्ट कोड 18/19 फायर ऑपरेटर। यहाँ पर जो अपडेट जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग 24/5/2022 से लेकर के 28/5/2022 अप टू 11:59 PM तक आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर किसी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है तो यहाँ पर ये ईमेल आईडी भी दी गई है D++SV की। इस ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। बट आपको यहाँ पर 27 मई 2022 1 PM तक ही यहाँ पर ये टाइम दिया गया है कॉन्टेक्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक अपडेट जारी की गई थी D++SV के द्वारा और इसके अकॉर्डिंग आज 24 मई को आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इस एडमिट कार्ड को आप इस लिंक के जरिए, जो आपको ये सबसे नीचे लिंक दिखाई दे रहा है फायर ऑपरेटर के लिए, पोस्ट कोड है 18/19, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस लिंक पर। क्लिक जैसे आप करेंगे तो ओके और कैंसिल दो ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। ओके पर आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही ओके पर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये OARS वाला पेज आपका ओपन हो जाता है। ई एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, पोस्ट कोड आपका यहाँ पर दिया गया है 18/19, पोस्ट नेम है फायर ऑपरेटर और ये डेट आपकी यहाँ पर मेंशन कर दी गई। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो जनरेट किया जा चुका है। और फ्रेंड्स, ये सेकंड टीयर का आपका एग्जाम है, स्किल टेस्ट है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, अपना रोल नंबर डाल करके आप यहाँ पर क्लिक टू जनरेट ई एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक कीजिएगा, ओके प्रेस कर दीजिएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यही एक लेटेस्ट अपडेट थी जो कि D++SV के द्वारा अभी अभी जारी की गई थी। इसके बाद जो भी कोई नई अपडेट D++SV के द्वारा जारी की जाएगी, साथ ही हम आप लोगों को उसकी अपडेट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो आप बने रहिएगा चैनल को। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।